दोस्तों, यदि किसी विद्यार्थी के पास आधार नंबर या आधार कार्ड नहीं है तो ऐसे विद्यार्थियों की एंट्री यूडाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल पर कैसे करें, आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यूडाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के पश्चात आपको इस सेक्शन पे आ जाना है, फर्स्ट सेक्शन पे जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, क्योंकि आधार वाला प्रॉब्लम इसी सेक्शन में है। तो जैसा कि पॉइंट नंबर देख सकते हैं 4.1.7, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे जब तक आप 12 नंबर का आधार नंबर फिल नहीं कर देते हैं तब तक आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे 12 नंबर का आधार नंबर डाल देते हैं तो 4.1.8 नेम ऑफ स्टूडेंट एस पर इन आधार कार्ड, आधार नंबर के हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी लिखना होता है, ये अभी एक्टिव है देखिए। तो यदि किसी विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे आपको 12 बार 9 को फिल कर देना है, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आ रहा है आधार नंबर मिनिमम 12 कैरेक्टर, तो यहाँ पे मैंने 5 कैरेक्टर फिल कर दिया है, 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 नंबर होते ही यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है, मतलब 12 डिजिट के 9 को यहाँ पे ले रहा है। यदि यहाँ पे मैं कोई अदर नंबर ले लूँ, 8 को लेके देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इनवैलिड आधार नंबर, 8 को 12 बार फिल किया हूँ तो इसको नहीं ले रहा है, तो सिर्फ आपको 9 को फिल करना है। ये देखिए 12 बार 9 फिल किया हूँ तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। इसका मतलब ये है कि इस विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है, ये पोर्टल स्वयं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। साथ ही साथ देखिए 4.1.8 नेम ऑफ स्टूडेंट, ये जो डिब्बा है एक्टिव था, जैसे मैंने यहाँ पे 12 टाइम 9 को फिल किया है ये ब्लॉक हो गया, मतलब यहाँ पे अब आपसे नाम नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है। तो सिंपल आपको 12 बार 9 को फिल करना है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप जिस भी विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है ऐसे विद्यार्थियों की एंट्री यूडाइस पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।